आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरुषों के अंडकोश में वृद्धि या फिर पुरुषों के अंडकोश का ढीलापन होने पर क्या घरेलू उपाय करना चाहिए। कभी कभी कुछ कारणों के कारण अंडकोश में पानी भरने लगता है और उनका आकार बढ़ने लगता है। इससे अंडकोश के ऊपर की चमड़ी भी कठोर और कड़ी होने लगती है। कुछ मामले में तो अंडकोश के तरफ के मांस में वृद्धि होने लगती है और इसी स्थिति को अंडकोश के एक सिरे से वृद्धि कहा जाता है। अगर इस रोग को शुरुआत में ही ठीक ना किया जाए तो ये भयंकर रोग भी हो सकता है। कभी कभी चोट आदि लगने पर भी अन्य कारण से भी अंडकोश में वृद्धि या फिर सूजन आने लगती है, जिससे भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ उपचार है जिसे करके इसे बचाया जा सकता है। पहला है अरंड का तेल यानी कस्टर्ड ऑयल। एक ग्लास दूध में 2 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से अंडकोश में वृद्धि नहीं होती। वहीं अगर अरंड के तेल में अंडकोशों की मालिश की जाए तो अंडकोश में जमा पानी भी सूखता है और बढ़े हुए अतिरिक्त मांस को दूर करता है। अगला है आम का पेड़। आम के पेड़ पर बांदा पाई जाती है, उसे गाय के मूत्र के साथ पीसकर लेप बनाएं और उसे अंडकोश के उस हिस्से पर लगाएं जो बढ़ा हुआ है। कुछ देर उसे लगाने रहने दें, आराम अवश्य मिलेगा आपको, धीरे धीरे इसमें फर्क महसूस होगा। आम के पत्ते, थोड़े से आम के पत्ते लेकर उन्हें पीस लें, लेप में थोड़ा नमक मिलाएं और अंडकोश पर लगाएं। ये लेप अंडकोश में भरे सारे पानी को सोख लेता है और राहत दिलाता है। अगला है भिलावा। थोड़ी सी हल्दी और भिलावा दोनों को मिलाकर घिसे और अंडकोश पर लगाएं। इससे अंडकोश की वृद्धि रुकती है, साथ ही कंठों की सिकाई करने पर भी आराम मिलता है। अगला है आक के पत्ते। शुद्ध सरसों का तेल ले और उसमें आक के पत्ते को सेके। अब इन पत्तों को अंडकोशों पर बांधे, रात भर इन पत्तों को बांधे रहने दें, सुबह हटा दें। कुछ दिनों के प्रयोग से ही आपको परिणाम दिखने लगेगा। अगला है महुआ के ताजे फूल। ताजे पानी में महुआ के कुछ ताजे फूल डालें और उन्हें कुछ देर तक उबलते रहने दें। इस पानी से के भाप से अंडकोशों को सेके, अंडकोश की वृद्धि दोनों में राहत मिलेगी और अंडकोश के दर्द में भी आपको राहत महसूस होगा। उसके बाद है अगला तंबाकू के पत्ते। सरसों के तेल में तंबाकू के ताजे पत्तों को सेककर अंडकोशों पर बांधें, इससे भी आपको आराम महसूस होगा। धतूरा के पत्ते। धतूरा के पत्ते की तरह धतूरे के पत्ते को सरसों के तेल में सेकने से और उन्हें अंडकोशों पर बांधने से इस उपाय से भी अवश्य लाभ मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को रात के सोते समय ही करें। अगला है मोड़वा का फल। अगर मोड़वा के फल को कमर पर बांधा जाए तो अंडकोश के आकार में आए परिवर्तन को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये नुस्खा अच्छा लगा हो और आपको कुछ घरेलू उपचार चाहिए, जैसे कि किचन से संबंधित उसमें से निकाल के लाने वाली उपचार, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए जल्द से जल्द। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब।